या हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, तो भाइयों के बीच जो झगड़ा लगाने का जो काम ये शुरू किया गया है, और हमारे संविधान में साफ तौर पे लिखा है कि भेदभाव धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए। आज दुख हुआ कि मुख्यमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने नीतीश कुमार और उनकी सरकार के खिलाफ खूब गर्जना भरी है और ये कहा है कि जातिगत जनगणना की बातें तो शुरुआत में आरजेडी ने ही की थी, अब सुर से सुर मिला रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। दिमाग लगाएंगे या हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, तो भाइयों के बीच जो झगड़ा लगाने का जो काम ये शुरू किया गया है, और हमारे संविधान में साफ तौर पे लिखा है कि भेदभाव धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए। आज दुख हुआ कि मुख्यमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था। सोनिया गांधी की बैठक के विपक्ष का क्या कहते हैं, मनोज जी विपक्ष की बैठक, हाँ आरजेडी है इसमें शामिल ना। तेजस्वी जी, प्रशांत किशोर ट्वीट कर कहते हैं कि सीए और एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा, जबकि संसद में सीए को लेकर जेडीयू वहां पर वोटिंग करती है, इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? कौन क्या कहता है, उन्हीं के पार्टी के लोग जो है उनको नेता नहीं मानते, वो है कहाँ? देखिए, जो प्रोफेशनल लोग हैं अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, हम राजनीति में आए अच्छी बात है, सबको अपना अधिकार है करें, लेकिन डीलिंग नहीं होनी चाहिए। डील वाली गेम भैया, सीए होने दो, एनआरसी नहीं करेंगे, क्या है दिस इज ऑल? आप डिज़ाइन को समझिए ना। एनआरसी लागू इसलिए पहले नहीं कर पाए थे क्योंकि टेक्निकल चीज़ें थी, उसी टेक्निकल चीज़ों के लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया। अब जो है कहते हैं कि एनआरसी का कोई जिक्र ही नहीं था, अब एनपीआर जो है पहला स्टेप है, वो अपना काम कर रहा है। तो हम लोग बेवकूफ़ नहीं है ना, ये कौन सा है? आप संघ की गोद में बैठ करके उनके बदौलत मुख्यमंत्री बने हुए हो और आप बातें कर रहे हो कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कम्युनलिज्म से? गॉडसे या गांधी? या तो आप गॉडसे को मानोगे या तो गांधी जी को मानोगे। आप कहिएगा कि नहीं, हम जो है पाक साफ है, लेकिन आप करनी क्या बता रही है? तो इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है और बिहार की जनता ये समझ चुकी है। अब बार बार जो ये चाहते हैं कि अपने हिसाब से माहौल बना दिया जाए, और जब देश जल रहा होता है, जब मुख्यमंत्री को लीड करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए मुद्दों को लेकर के, तब ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं। आप देखिएगा, एनआरसी जो है और एनपीआर, हालांकि एनपीआर लगातार होता रहा है, लेकिन एनपीआर में इस बार विशेष कॉलम दिया गया है। विशेष कॉलम है कि आपकी जब सेंसेस होगा तो उसमें कॉलम में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके पिता का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो ये साफ जो आरएसएस का जो डिज़ाइन है हम लोगों को समझ में आ रहा है, और ये बात जो आज हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, जब हम उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो मेरे को बातें समझाते थे कि आरएसएस जो है बहुत खतरनाक है, लंबी लड़ाई है। आप सोच नहीं सकते तेजस्वी कि ये लोग किस हद तक जा सकता है। तो आज जो मुख्यमंत्री हमको समझाते थे, आज खुद ही संघ के रंग में हो गए हैं। किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए। जब हमारा देश जल रहा हो तो अपने स्वार्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग, जब हमारे साथ हुआ करते थे तो हम लोग तो बोलते थे कि भाई इनमें तो क्रेडिबिलिटी है प्रधानमंत्री बनने की, वो तो भाग गए, धोखा दिया, जनादेश का अपमान किया। लेकिन जब भाग गए तो लोगों के सामने सही चेहरा, असली चेहरा जो है वो नज़र आया।
आप देखिएगा आज जब हम मुख्यमंत्री जी को उनके वक्तव्य जब वो दे रहे थे, सुन रहे थे, तो अब नहीं लग रहा था कि अब उनमें कोई क्रेडिबिलिटी बची। एक कॉम्प्रोमाइज मुख्यमंत्री, समझौता किया हुआ मुख्यमंत्री, सिर्फ अपने गद्दी के रूप में, जो सिर्फ अपना हित चाहता है, किसी का हित नहीं चाहता, ना देश का ना समाज का, और उन लोगों का हित नहीं चाहता जिन लोगों ने उनको सत्ता पे बैठाने का काम किया। विचार कब करेंगे? उन्होंने ये कहा कि अगला सत्र अगर मुख्यमंत्री जी का इरादा साफ होता तो इसी सत्र को बढ़ा देते, कल बैठक बुला दी जा सकती थी, और जब गजट नोटिफिकेशन होगा तो वो तो अपना काम करेगा, इट विल बी टू लेट। तब तक तो लोग सफर करेंगे, और तब तक तो मामला भी ठंडा आ जाएगा, मुख्यमंत्री जी को कंफर्टेबल पोज में भी आ जाएंगे, मोड में भी आ जाएंगे। तो उनके चीज़ों को हम लोग सब समझ रहे हैं, उनके मन में देखिए अब थक चुके हैं। नीतीश कुमार जी बस कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में बीजेपी के साथ है, आरएसएस के साथ है, पूरे रंग रूप में उनको आना पड़ गया क्योंकि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। मन जो है स्वार्थी है। देखिए हम लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं तो शायद आज हम अपने चाचा की जगह पे होते हैं, हालांकि हम तो चाचा कहना छोड़ दिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी के जगह पे हम बैठे होते हैं। तो आपने नेता प्रतिपक्ष को सुन लिया है, हर मुद्दे पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया है और कहा है कि आने वाले समय में वो एनआरसी और सीए के विरोध में यात्रा भी करेंगे अररिया किशनगंज में। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले सियासत और कितनी गरमाएगी उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। या हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, तो भाइयों के बीच जो झगड़ा लगाने का जो काम ये शुरू किया गया है, और हमारे संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। आज दुख हुआ कि मुख्यमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था।